अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, वेलकम टू ट्रेंड्स हब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे क्रोशेट शूज़। क्रोशेट शूज़ कैसे होने चाहिए, क्रोशे के बने हुए शूज़ कैसे होने चाहिए। आप ऊन स्टफ यूज़ कर सकते हैं या आप कोई थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। प्लेन सा बहुत खूबसूरत लगते हैं, आप उन्हें खुद बना सकते हैं। और इवन अगर आप कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं, डिफरेंट लेडीज़ होती हैं, फीमेल्स होती हैं, होम आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिल जाएंगी, उनसे भी आप करवा सकते हैं, स्टाइलिंग करवा सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपको ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। आइडियाज़ बेशुमार है, इनमें से आप डिपेंड करते हैं आपको कौन से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जो डिज़ाइन आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लें। खूबसूरत आइडियाज़ हैं, यूनिक आइडियाज़ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ ही देर में, तब तक के लिए देखते रहिए ट्रेंड्स हब की वीडियोज़। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। और उसके साथ अगर आप इसी से बेबी से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोज़ देखना चाहते हैं, वो हमारे चैनल पे इजीली अवेलेबल है, आप उन्हें भी विजिट कर सकते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत खूबसूरत वीडियोज़ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ ही देर में, तब तक के लिए देखते रहिए ट्रेंड्स हब की वीडियोज़। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।